प्रैक्टिकल देख रहे हैं अपन, कल अपन ने क्या देखा था, जो नेक्स्ट वीडियो में क्या देखा था कि जो पार्ट्स ने हम देखे थे किसके, माइक्रोवेव ओवन, ठीक है ना। और कल अपने एक एक पार्ट्स के बारे में अपन ने विश्लेषण किया था पूरे तरीके से, बढ़िया अच्छे तरीके से पढ़ा ना, एक एक बार एक एक पुर्जा के बारे में देखा कौन सा क्या पार्ट्स है, किस पार्ट्स का नाम क्या है, क्या सभी बोर्ड पर भी लिखे दिए हुए गए थे, ठीक है ना। उसके बाद आज अपन क्या चेक करने जा रहे हैं कि ये एक सही कैसे होता है, इसकी चेकिंग प्रॉपर तरीके से क्या होती है, कैसे चेक करते हैं अपन, ठीक है। एक एक पार्ट्स को देख कर चेक करके बताऊंगा इसमें कैसे चेकिंग होती है और कैसे सही होता है, ठीक है ना। और ये अपन वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र फूलबाग साईं बाबा का मंदिर खेड़ापति रोड के सामने। जो कोई इस वीडियो को देखता है वो कहीं से भी हो, ये कोर्स हमारे प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र में फ्री में चल रहे हैं, कोई एक रुपया किसी से नहीं लिया जा रहा है। और ये बिल्कुल इसी तरह से जो भी प्रैक्टिकल होते हैं इसके अंदर प्रधानमंत्री कौशल विकास केंद्र के अंदर बिल्कुल इसी प्रकार होते हैं, आप लोगों को आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, स्किल बनाने के लिए, आपको आत्मनिर्भर बनाने के लिए आपको यहाँ पे किया जाता है, ठीक है ना। तो आज मैं प्रूफ प्रॉपर तरीके से आप लोगों को कराता हूँ, एक एक से चेकिंग करके एक एक बार एक एक इसके पार्ट्स को बताता हूँ। चलिएगा, सबसे पहले किसका, ये मल्टीमीटर लेते हैं, ठीक है ना। ये मल्टीमीटर क्या होता है मेरा, ये मल्टीमीटर है ना, इस मल्टीमीटर से चेकिंग करेंगे कुछ सभी पार्ट्स को, मल्टीमीटर है अपना, ठीक है ना, इससे चेक करना होगा मैं एक एक पार्ट्स को, ठीक है ना। और कौन सा सही है, कैसे खराब होती है, तो सभी पार्ट्स सही है, अपने पास खराब कोई पार्ट्स नहीं, अपन तो ओनली चेक करके दिखाएंगे कौन सा पार्ट्स क्या सही है क्या खराब है, ठीक है ना। और इससे अपन एक एक पार्ट्स को चेक कर लेंगे, ठीक है। मल्टीमीटर को आपको सबसे पहले चलाना आना चाहिए, ठीक है ना। और अपन को ज्यादा कुछ मल्टीमीटर से नहीं चेक करना है, जो फील्ड टेक्नीशियन अपन को सीख रहे, जो कोर्स चल रहा है ना, उसको कुछ नहीं, ज्यादातर अपन को वोल्टेज चेक करना, रेजिस्टेंस चेक करना और कंट्रोलिटी, ठीक है, जो वायर वाला डायोड वायर जो भी आता है अपना, ठीक है, जो पार्ट्स है अपने उनको चेक करना आना चाहिए, और ज्यादा कुछ नहीं। ओनली जब सबसे ज्यादा अपन वर्क किस पे करते हैं, कंट्रोलिटी पे करते हैं चेक करने के लिए, ठीक है ना। तो वही मैं आज इस पे किस पे लगाऊंगा, इसको कंट्रोलिटी पे, कंट्रोलिटी पे देखिएगा आप लोग, वही है जैसे दिखा दीजिए, ये नीचे बजट जैसा सिंबल लगा हुआ है, ये डायोड छपा हुआ है उस पर, ठीक है ना। उस पर इसको मैंने कहा नोब है ना, मैंने ये नोब किस पे फिक्स कर दी, बजट पे फिक्स कर दी, कर दी ना। अब मैं एक एक पार्ट्स को क्या चालू एक जैसा सिंबल आ जाएगा इस पर, और ये मैं इधर से शॉर्ट करूंगा, इन लीड को प्रॉप्स को क्या करूंगा मैं शॉर्ट करूंगा, देखिएगा इस पर शॉर्ट किया, बीप की आवाज देता है तो ये कंट्रोलिटी पर लग गया मेरा, ये बीप की आवाज करे कंट्रोलिटी बड़ी, फ्यूज लगा अपना माइक्रोवेव के अंदर फ्यूज खराब हो गया और पता नहीं चल रहा है कि कैसे सबसे पहले कहां से स्टार्ट करें अपन चेक करना, तो सबसे पहले अपन मेन लीड को चेक करते हैं। तो मेन लीड मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत सारी वीडियो पढ़ी है उनमें भी बताया था मैंने आप लोगों को, ठीक है। और उसके बाद चेक करना है अपन को फ्यूज को, ये मेरा 10 एम्पियर का फ्यूज होता है जो 230 से लेकर के 250 तक पे कार्य करता है, ये वाला 10 एम्पियर का फ्यूज है, ठीक है। अब मैं इसको क्या करूंगा, कैसे चेक करना है कंटिन्यूटी पे लगा, अब मैं इसके दोनों पॉइंटों को ये दोनों पॉइंट है, अब कैसे भी लगाऊ कोई दिक्कत नहीं है, ये बीप की आवाज देता है, देखो बीप की आवाज नहीं, उसको देखो ये बीप की आवाज देता है, बीप की आवाज दे रहा है तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, इसमें कोई खराबी नहीं है, और कैसे भी प्रॉप लगा दो कोई दिक्कत नहीं, उल्टा करके सीधा करके बिल्कुल कंट्रोलिटी बताएगा, बता रहा है बीप की आवाज आ रही है इसके अंदर, ये बिल्कुल सही है। अब इसके अंदर से ये फ्यूज के अंदर से वायर अंदर लगा हुआ जॉइंट है, इसकी कंट्रोलिटी यहां से जुड़ है, ठीक है ना। तो ये वायर टूट जाए अपन को दिखता भी नहीं, किसी किसी में इसमें परत सी जम जाती है ना, तो दिखता नहीं है, पता नहीं चल रहा कि ये खराब है कि और भी पार्ट्स खराब है, तो अपनी सप्लाई यहां से ही स्टार्ट होती है और ये सप्लाई को यहां से कट ऑफ कर देगा, जब ये खराब होगा तो सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी, आगे नहीं बढ़ेगी तो अपने माइक्रोवेव स्टार्ट नहीं करेगा किसी चीज को, तो इसको सही से करना पता कर लोगे, ठीक है। चलिए ये मेरे पार्ट्स हैं, ये हीट को कंट्रोल करने वाले हैं, और जैसे ज्यादा हीट होती है ऑटोमेटिक सप्लाई को कट कर देते, ठीक है। माइक्रोवेव के अंदर क्या होता है, जो अपने बॉक्स होता है उसके अंदर हीट ज्यादा हुई या मैग्नेट डोर ज्यादा हीट कर रहा है या हीट हो रहा है, तो क्या करता है ये उस सप्लाई को क्या कर देते हैं, कट ऑफ कर देते, ठीक है, ब्रेक कर देते हैं सप्लाई,
अब इसको जो चेक करने का तरीका क्या है, बिल्कुल इसी तरह से पकड़ी देखो, उल्टा देखो, दोनों पॉइंटर्स के ये बीप की आवाज देता है, तो इसकी भी कंटिन्यूटी स्टार्ट है। अब जैसे ये थर्मल गर्म होगा ना, तो ये बीप की आवाज नहीं आएगी, क्या बीप की आवाज नहीं आई, जैसे ये गर्म हुआ ना, गर्म होने के यहाँ पे इसकी सप्लाई टूट देता है। ये क्या पत्ती लगी होती है इसमें बायोमेट्रिक, इसके अंदर लगी होती है, जैसे आपका थर्मोस्टेट ना, उसके अंदर बताया था मैंने आप लोगों को, दो दांत में से पत्ती लगी होती है, वो क्या होती है, गर्म होती है तो क्या करती है, सप्लाई को कट कर देती है। ऐसे ही बिल्कुल उसी प्रकार ये कार्य करता है, जैसे बीप की आवाज की कंटिन्यूटी बढ़िया चल रही है इसके अंदर, तो ये बिल्कुल सही है। अब ये अपना खराब हो जाए, ठीक है ना, सप्लाई नहीं बढ़ा रहा है, काम नहीं कर रहा है सही से, तो इसको क्या कर देंगे, पुनः चेंज कर देंगे, ठीक है ना। तो ये अपनी कंटिन्यूटी बढ़िया दिखा रहा है, कैसे भी प्रॉप्स लगा कोई दिक्कत नहीं है इसमें, प्रॉप्स कैसे उल्टा सीधा कैसे भी लगा, कंटिन्यूटी आनी चाहिए अपनी, सोच भी सही, ये सही पार्ट्स है सभी, मैंने नए खोल के लगाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए सही दिखा रहे हैं। खराब लेके आओगे तो अपने ऑटोमेटिक पता चल जाएगा खराब क्या, पंप को सही पता होगा तो खराब तो ऑटोमेटिक पता चल जाता है, ठीक है ना। चलिए भाई, दो चीजें हो गई अपनी, दो पार्ट्स सही हो गई। इसके बाद क्या है, डोर स्विच आते हैं, ये अपने को सोचे, ठीक है भाई, ये सोचे, अब इन स्विचों को ओपन चेक करने का तरीका, कैसे चेक कर से, कैसे पता चलेगा अपन को सही है खराब, सही इसको भी चेक करना होगा, कंटिन्यूटी बताता है अपनी, ठीक है ना। अब देखिएगा कैसे बताता है, मैं आप लोगों को बताता हूँ, एक एक से चक्कर पकड़ ले, देखिए अभी देखिएगा, कोई सप्लाई दे रहा है नहीं दे रहा, क्यों, स्विच क्या करता है जो चालू करेगा, अब इसके अंदर ये बटन है, ये वाली बटन, जैसे मैं इसको दबाऊंगा, जैसे बीप की आवाज आने लगेगी, दबाया मैंने स्क्रू ड्राइवर, देखो जरूरी है बटन दबाना, देखिए अब ये कंटिन्यूटी बता रहा है तो ये सही है। अब बटाने जी दबाने पर बटन को, ये अंदर वाली, जैसे ड्रोन अंदर आता है ना, तभी तो अपने बल्ब के अंदर बल्ब जलता है, चलता है ना, चलता कि उसके अंदर पता क्या चला दिया अपने को, पता पका नहीं पका, तो ये वहां पर लगे होते हैं। देखिए कंटिन्यूटी दिखा रहा है, अब हटाइएगा, अब कोई कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कुछ नहीं दिखा रहा, तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके दोनों स्विच में हमेशा दो पॉइंट है, इसके दो पॉइंट है, इसके भी दो पॉइंट है, एक मेन सप्लाई का, एक इनपुट और आउटपुट, तो इनपुट वाला और आउटपुट वाला, ठीक है। देखिए दिखा रहा है, तो ऐसे ही सभी की करना है अपन को, सभी में बटन लगे हुए, देखो ये वाला दूसरा वाला, अब ये कौन सा वाला है, जैसे पर क्या करते हैं बटन को दबाते हैं ना, तो ये सप्लाई कट ऑफ कर देगा, ये प्रोटेक्शन स्विच है, जो कौन सा प्रोटेक्शन वाला है, डोर प्रोटेक्शन स्विच, ठीक है ना, इसको प्रोटेक्शन देता है, निपर पथ को क्या देता है, प्रोटेक्शन देता है। देखिए ये दे रहा है, अलग रख कर रहा है, क्योंकि ये बटन भी, बटन दबाई जैसे कोई सप्लाई नहीं देगा, बटन दबाई कोई नहीं दे रहा, कर दे सप्लाई कट, ठीक, अलग अलग तरीके से कार्य करें, कौन सा वाला, ये वाला डोर स्विच होता है, ये वाला कि अंदर जाता है, ठीक है, तो ये क्या करे, दबाने पर कार्य कर रहा है, और ये तीनों को एक एक से चेक करना है, ऐसे पता चला कि सबने तो बताया था ऐसे कि ये वाला अलग कर, ये अलग अलग कार्य करेंगे। अब ये माइक्रो स्विच है डोर वाला, देखिए इसको भी दबाओ, इसके अंदर बटन, देखो छोड़ो उसको छोड़ो, देखो अभी ये वाला, ये ऊपर वाला, ये वाला, दोनों सेव कर रहे का, देखिए कोई बटन कोई नहीं, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, कोई भी दिखा रहा है, नहीं दिखा, अब इसको बटन को दबाऊंगा, कंटिन्यूटी दिखा रहा है, बीप की आवाज आ रही है, तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है, ठीक है ना। और जिसकी अंदर ये रेड कलर की बटन है ना, ये देखिए ये प्रोटेक्शन स्विच होता है, जानते हैं ना, रेड कलर की बटन होती है, कि ये पर को लाल झंडी क्या होती है, सुरक्षा वाला कचरा गड्डी से बचाता है, ये वही प्रोटेक्शन स्विच होता है, ठीक है ना। पहचानने का तरीका ये है कि इसको अपन दबाने पर क्या करता है, सप्लाई को कट ऑफ कर देता है, और इसको ऐसे रखते हैं, बिल्कुल ऐसे देखते हैं, तो क्या कंटिन्यूटी की आवाज देता है, ठीक है ना, ठीक है भाई, चेक कर लोगे डोर प्रोटेक्शन स्विच, कोई दिक्कत तो नहीं है, ऐसे मल्टीमीटर से चेक करो। और देखो ये रीडिंग दिखाता है तुम्हें, ये रीडिंग दिखाया, क्योंकि बाइंडिंग है इसके अंदर, क्योंकि अलग अलग बाइंडिंग होती है, इसके अंदर बाइंडिंग दिखाता है, ठीक है ना। देखिए ये कोई रीडिंग नहीं दिखाया आप लोगों को, ठीक है, कंटिन्यूटी की आवाज नहीं, अब बीप की आवाज देता तो शॉर्ट सर्किट हो गया इसके अंदर, क्या है, बीप की आवाज देता है, रीडिंग दिखाएगा तो, रीडिंग दिखाता है, कूलिंग फैन को चेक कर लो, तो देखिए ऐसे रीडिंग दिखा रहा है, दिखा रहा है, बीप देगा तो, बीप देता तो शॉर्ट सर्किट हो गया, सर्किट नहीं, सर्किट तो बन रहा है, ये मोटर है, मोटर है इसके अंदर, ये मोटर है, ठीक है ना, मोटर में तो ऐसे चेक मोटर में बॉडी चेक करते, एक एक से बॉडी चेक कर लो,
बॉडी चेक कर लो तो ये कंट्रोलिटी नहीं दिखाना चाहिए बॉडी में, और बॉडी में कंट्रोलिटी दिखाता है तो खराब है, शॉर्ट सर्किट का है। अब बीप की आवाज देता है यहाँ पे भी तो शॉर्ट सर्किट है, तो ये मोटर पर खराब है, चेंज कर दो, ठीक है ना। और बीप की आवाज देता है, मोटर चेक करो तो आवाज नहीं आना चाहिए। हाँ मोटर चेक करते हैं ना, ऐसी पर वो वाली मोटर चेक करते हैं ना, वो कंट्रोलिटी बना, ठीक है ना। देखिए ये सर्किट बनाए थे कि इसके अंदर, और इसके बीच जो वायर टूट गया तो कंट्रोलिटी भी नहीं दिखाएगा, इसके अंदर जो क्या टंगस्टन के वायर लगे हुए अगर टूट गया तो कंट्रोलिटी दिखाएगा नहीं दिखाएगा। देखो ये सर्किट बनाया इसके अंदर, बॉडी पे चेक करके कोई रीडिंग दिखाना चाहिए। देखिए ये मोटर है, प्लेट रोटेटिंग मोटर है, बीप की आवाज शॉर्ट हो गई, शॉर्ट हो गई बिल्कुल बीप की आवाज। देखो मैं पहले इस पे लगा रहा हूं, रीडिंग दिखा रहा है, रीडिंग दिखा रहा है ना, दिखा रहा है रीडिंग। अब इसके बाद मैं बॉडी पे लगाता हूं, ऐसे बॉडी पे चेक करना है अपन को, और किसी पे भी लगा चेक कर लो, ऐसा नहीं कि इस पे लगाना है इस पे लगा रहा है। देखो ये बता रहा है मोटर, दिखा रहा है रीडिंग, तो ये बिल्कुल सही है, मोटर सही है अपनी। अब कहीं जी अपना ऐसे बीप की आवाज दे रहा है या इस पे बीप की आवाज दे रहा है तो खराब है ये, कि कहीं इसमें शॉर्टिंग हो गया, फॉल्ट हो गया, कहीं ना कहीं कुछ कुछ ना कुछ हो गया इसके अंदर, अपन देख लेंगे इसको, ठीक है। इसके अंदर देखा भी कोई दे रहा है, देखिए उसकी मोटर में और ये मोटर होती है सिंक्रोनस मोटर। इसके अंदर क्या है तुम देखो, खोल के देखोगे ना, इसके अंदर तुम्हें पहिए जैसे भेजेंगे मिलेंगे। बीप की आवाज ज्यादा अपने बाइंडिंग हो जाती है ना, तो बीप की आवाज भी आना बंद हो जाती है, इसकी कैपेसिटी के अनुसार देखा जाता है। अब बड़ा वाला लेके आओगे, बड़ा बड़का बड़का नीचे बदले वाले वायर बीच में रहते हैं, देखिए इसके इतने ज्यादा नहीं रहते ना। देखिए ये इसकी बीच वाली की बहुत पतली है, ठीक है, और इस वाली की एक ही है, ठीक है, ऊपर वाले की एक इधर होगी, एक इस बॉडी पे शॉर्ट होगी। देखो ये एक बॉडी पे है ट्रांसफार्मर की, देखिए ये बॉडी पे शॉर्ट है, इस वाली ऊपर ये रही, ठीक है, ये एयर रही, और ये कौन सी नीचे अपनी इनपुट देती है, ये वाली बैंड, ठीक है ना, आया समझ में। अब देखिएगा क्या कंडीशन होती है अपनी, आ रहा है कंटिन्यूटी बढ़िया दिखा रहा है, ठीक है, ये भी सही है, कोई दिक्कत तो नहीं। अब बात करते हैं कि इसको क्या करते हैं, चेक करने का तरीका है इसको अलग अलग, अपन उसको बॉडी के साथ देखते हैं। इसके साथ खराब होगा तो इसमें बॉडी शॉर्ट सर्किट होगा, बॉडी पे तो लगा ये शॉर्ट सर्किट हुआ तो किस पे, बॉडी के साथ चेक करना है, किसी पे भी बॉडी के साथ ये शॉर्ट सर्किट होता है, किसी भी वायरिंग से चेक करिएगा अपन, जैसे इस वायरिंग से चेक किया मैंने, ठीक है, देखो ये रीडिंग बता रहा है, देखो तो भैया ये है ना, नहीं दिखा रहा है। अब कहो कि सर जी तो खराब है, मैं कह रहा किसी किसी जगह पे रीडिंग होता है, किसी जगह पे कंट्रोल दिखाता है, ठीक है। अब कहो कह रहे कि सर जी ये भी तो कंट्रोल दिखा रहा है, ये भी तो बराबर कर रहा है, ये बॉडी के साथ भी कनेक्ट है ना। अब ये वाली ये कंट्रोल अभी बॉडी का भी बता रहा है, अब बॉडी पर चेक करें तो ये बॉडी का देखो दिखा रहा है, ये बॉडी के साथ कनेक्ट है, इससे क्या वो पिंपो डाली जाता है ना, बालिश किया जाता है, ठीक है। देखिए ये बॉडी के साथ शॉर्ट है, और कभी कभी दिखा रहा है ना, ये आ रहा है, अब इसका कंट्रोल दिखा रहा है, और कहीं कभी क्या होता है नीचे भी कनेक्ट हो जाता है इस बॉडी के साथ, ठीक है ना। ये टेंशन नहीं लेना है कि नहीं आज है ही छत वो होना चाहिए अटैच, ठीक है ना। आप कौन सी बांटेंगे, ये वाली भाई उसको देखिए, अब ये वाली बाइंडिंग कम बाइंडिंग होती है, ज्यादा बाइंडिंग होती है वो सब कंट्रोलिटी दिखाता है, ठीक है, वो कम होती है उसके रनिंग कम होगी ना तो वो क्या है कंट्रोलिटी दिखाता है। अब उसमें ज्यादा ही ज्यादा भर के रनिंग बच जाती है तो क्या होता है कंट्रोल कैप भी सक रहा है, ठीक है। ये देखिए इस पर कुछ रीडिंग भी लिखी है, देख लीजिए 0.11 कुछ को लिखिए, 0.92 माइक्रो फेरेड प्लस माइनस 3, ठीक है, या फेरेड में कितना है प्लस माइनस 3 चलता है ना फेरेड के में, 2100 वोल्ट तक स्टोरेज करता है और 2100 वोल्टेज देता है इसके अंदर, ये भी निकालता है कुछ वोल्टेज, ये क्या है 1000 से ऊपर निकालता है, 1200 1500 2100, तो ये वोल्टेज निकालता है, हाई वोल्टेज निकालता है, ठीक है। अब हाई 1000 से ऊपर हाई वोल्टेज हो जाता है, ठीक है ना, 1000 से पहुंचा ये हुआ, ठीक है। लो वोल्टेज कितना होता है, 1000 से कम होता है लो वोल्टेज, और 1000 से ऊपर होता है वो हाई वोल्टेज हो जाता है, ठीक है। और ये भी इसमें भी वोल्टेज में कमी है, इसमें कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। अगर इसके अंदर कोई बीप की आवाज आती है इस पर लगाने से तो ये खराब है, ठीक है। जैसे मैं इसको किस पे लगाऊंगा, ये कितनी दे रहा है 2 kV पर फिक्स कर लो, क्योंकि इससे ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि किस वोल्ट से। अब देख ये आके क्या बीप चला जाए, उससे ज्यादा हो सकता है,
ज्यादा तो नहीं होगा इसकी बॉडी के साथ कुछ नहीं दिखाना चाहिए और ना स्कूलिंग पैन की बॉडी के साथ कुछ दिखाना चाहिए और बॉडी के साथ कुछ कोई भी चीज दिखाती है तो शॉर्ट सर्किट की कंडीशन में खराब है, ठीक है ना। और इसमें कैपेसिटर का मैंने छोटे छोटे कैपेसिटर भी चेक करके दिखाया था, उसमें क्या होता है, कंट्रोल यूनिट पर लगाते हैं, कंट्रोल यूनिट पर आकर के क्या होती है, मल्टीमीटर में आके चली जाती है। रीडिंग आके क्या होती है, मल्टीमीटर में आके चली जाती है। और जैसे कुछ चेक करते हैं, इसको क्या करते हैं, चार्ज करते हैं। जैसे कैपेसिटर पर वाला देखते हैं, छोटा वाला कैपेसिटर आता है, उस पर क्या करते हैं, पहले चार्ज करते हैं, चार्ज करके छटका के भी चेक करते हैं। कम छटकता है तो खराब भी हो जाता है, क्योंकि ठीक है ना। और ये इसको भी चेक कर सकते हैं, उसी प्रकार सेम है, कोई दिक्कत नहीं। पर क्या हाई वोल्टेज है, ठीक है, क्योंकि उसमें तो कम वोल्टेज आता है, ये हाई वोल्टेज 21 वोल्टेज इसको स्टोरेज करता है, ठीक है, ठीक है। तुम्हें भी इससे स्वाद लग, ये सबसे महत्वपूर्ण चीज है, यही अपने खाने को पकाता है, क्या है, मैग्नेट ड्रॉ, ठीक है। सिंपल तरीका, जैसे अपन ट्रांसफार्मर को चेक किया, ऐसे इसको चेक किया, ऐसे इसी को चेक किया। देखिए इसमें क्या है, एक हीटिंग एलिमेंट होता है इसके अंदर, ये रोड के अंदर है ना, उसमें डाला हो। अब देखिए इसमें बीफ की आवाज देगा, दे रहा है, इसको खोल के देखो, इसको खोलो, इसको खोल, इसको निकाल दो। हीटिंग एलिमेंट दिख रहा है इसके अंदर सभी को, कोई खराबी। अब इसके अंदर हीटिंग एलिमेंट क्या करता है, बीप की आवाज भी देता है ना, आप लोगों को पता है सभी को, हीटिंग एलिमेंट भी आवाज देता है, सभी को मालूम है, क्योंकि इसके अंदर कंट्रोलिटी बनती है। देखो दे रहा है बीप की आवाज, मल्टीमीटर दे रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगा, बॉडी के साथ टच करना है, बॉडी के साथ कोई रीडिंग देता है तो ये हीटिंग, ये क्या मैग्नेट ड्रोन खराब है। क्या बॉडी के साथ कोई भी चीज देना नहीं चाहिए, ना रीडिंग देना चाहिए, ना ये कंटिन्यूटी दिखाना चाहिए। किसी पर भी धर के चेक कर लीजिएगा आप, कोई दिक्कत नहीं है किसी भी पॉइंट। देखिए मैं बॉडी के साथ टच कर रहा हूं। अब कभी कभार क्या होता है, इसके अंदर ये कनेक्टर खराब हो जाता है, अंदर से इसकी सप्लाई अंदर से टूट जाएगा खराब, तो इस कनेक्टर को भी यहां से चेक कर लिया जाता है। चेक कर लो ना, कोई दिक्कत तो नहीं, यहां से बीच में से ये टूट गया, यहां से ये टूट गया, या इसके अंदर से इसको भी चेक कर दे, क्या इसको वैसे तो रिपेयर होता नहीं है जी, ये बता दो क्या सर, जो रिपेयर नहीं होता है, मैग्नेट रोड तो ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है, इसमें कोई खराबी नहीं है। अगर ये बॉडी के साथ अटैच है, कहीं बॉडी के साथ अटैच है, क्या बॉडी के साथ अटैच है, बॉडी के साथ अटैच होगा तो ये क्या इसकी ये खराब हो गया, ठीक है भाई। चेक कर लो, रीडिंग दे रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं इसके अंदर, एक एक पार्ट को देखा अपन ने चेक करके, ठीक है, कौन सा क्या था, कैसे वर्क कर रहा था, सब देखा। अब बात आती है इसके बाद फ्यूज रह गई, इसके अंदर लगा रहता है, ठीक है ना, इस कवर के अंदर रखा रहता है, ठीक है ना। तो इसको चेक करने का तरीका, ये भी खराब हो गया तो सप्लाई आगे नहीं बढ़ेगी, टूट गया तो, ठीक है ना, मेन पॉइंट पे चेक करना। ये दो फ्यूज मेन चीज है, ठीक है ना। देखिए एक कंट्रोल बीप की आवाज दे रहा है, देखिए दे रहा है ना बीप की आवाज, कोई भी पार्ट खराब हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए बीप की आवाज दे रहा है, हाई वोल्टेज वाला फ्यूज, ये सुरक्षा युक्ति भी बोला जाता है, सुरक्षा युक्ति अपनी दे रही है, तो ये बिल्कुल अच्छा है, बढ़िया प्रॉपर तरीके से कार्य कर रहा है, लगा हुआ ज्यादा, ठीक है, हाई वोल्टेज वाला, ठीक है, लगाए देख लीजिए, ठीक है, इसको चेक कर सकते हैं, ऐसे चेक कर लो। पहले सबसे पहले तो फ्यूजों को चेक करो कि कौन सी सप्लाई क्यों नहीं, कहां तक नहीं जा रही, और सप्लाई मेन चीजें देखने के लिए तो इसको उसी की लगा दो, वाला डायोड होता है, ठीक है, सभी ने देखा। इसको एक 9 वोल्ट की बैटरी के साथ भी देखा अच्छा चेक किया जाता है, और ऐसे सिंपल तरीके से भी चेक कर लिया जाता है। छोटे छोटे होते हैं तो अपने क्या, एक साथ रीडिंग दिखाता है, एक साथ क्या दिखाता है, रीडिंग एक साइड से, ठीक है ना। अब ये कुछ नहीं दिखाया, आप लोग को परेशान हो जाओ, क्योंकि हाई वोल्टेज वाला है, इससे बहुत बड़ा है, ठीक है। इसको किससे चेक करना चाहिए, उनको बैटरी के साथ, 9 वोल्ट की बैटरी लाओ, उसके साथ चेक करना चाहिए। चेक कैसे करेंगे, बैटरी के एक साथ ये पॉइंट इधर लगा दे, ऐसे प्लस वाला, और एक वालो बैटरी के साथ, एक इसको साथ, ये रीडिंग दिखाएगा, ठीक है। तो ये सही है, सीरीज के साथ भी चेक कर सकते हैं, ये सीरीज में लगा दिया, ठीक है ना, भी लग गया, बैटरी में एक बैटरी में जाएगा, एक बैटरी में जाएगा, बैटरी के दो पॉइंट है इसका, इसके अंदर भी चला, इसके अंदर ड्यूल बैटरी है, खराब बैटरी कुछ नहीं, कुछ बैटरी चल, तुम्हें कहते 12
छोटे वाले आते हैं ना वो दिखाते हैं ठीक है ना ये वाला नोवाटी है मल्टीमीटर से कैसे पता पड़ेगा इसका फिर दोनों साइड से रीडिंग नहीं दिखाते देखो मैं चेक कर रहा था जैसे कैपेसिटर की तरह ठीक है दिमाग को दौड़ाओ और खराब होता चेक कर लिया जाता है दोनों साइड से नहीं दिखा रहा था किलोमीटर से चेक करें तो भी नहीं आएगा अब एक एक चीज चेक कर टाइमर चेक कर ये किस पे कंट्रोल नहीं दिखा रहा है ये बार एक ही है शॉर्ट वाला है ये ठीक है ये कॉमन वाला है ठीक है ना अब मैं इस पे चेक करिए कुछ नहीं दिखा रहा तो रीडिंग ये वाला रीडिंग दिखा रहा है ठीक है ऐसे ही कुछ दिखा रहा है ये नहीं दिखा ये वाला कौन सा ये वाला और ये वाला दोनों एक ही है ना तभी तो कंट्रोल नहीं आया अपना एक कॉमन वाला हुआ इसका अब देखिए इसको चालू करके चेक करिएगा अब देखिए इस पे भी आ रहा चालू करिए अब इसकी कंट्रोल इस पे होगी ओके ना जैसे रोटरी स्विच को घुमाते हैं रोटरी स्विच भी बताए थे जैसे जैसे घुमाते हो वैसे वैसे कार्य करते हैं ठीक है देखो इस पे रीडिंग दिखा रहा है पहले नहीं दिखा रहा था अब ऐसे इसको चेक कर लेंगे अपन ऐसे देखो इस पे आ रहा है पहले देखो इस पर रीडिंग दिखा रहा है पहले कुछ नहीं दिखा रहा था पहले किस पे इस वाले ओनली कॉमन वाले पे दिखा रहा था ठीक है अब क्या कर इसके साथ भी क्या रीडिंग दिखाने लगा ये क्या बीप के भाई देने लगा अब मैं इसको बंद कर दूंगा तो इस पर कुछ नहीं दिखा रहा था लास्ट लास्ट वाले पॉइंट देखिएगा ये वाला अब इस पर आपको रीडिंग दिखा रहा है कुछ नहीं दिखा रहा नहीं दिखा रहा अब जिसको जैसे मैं चालू करूंगा ऐसे मैं इसको चालू कर देता हूँ तो क्या हो गया एक कंट्रोल इसने भी बना दिया वो आप हो जाएगा सप्लाई कट कर देगा ये ठीक है इसको चेक ठीक है भाई कोई दिक्कत सभी पार्ट्स मैंने एक एक तरीके से चेक कर दिए थोड़ा पुश करके आगे से मैंने माइक्रोवेव के एक एक पार्ट्स को मैंने चेक कर दिया गया है और फिर भी कुछ समझ में नहीं आता है तो फिर भी और भी पुन चेक करेंगे एक के भरोसे नहीं रहते ठीक है कोई समझ में नहीं आता इसमें से बार बार करेंगे पुन प्रैक्टिस कोई दिक्कत वाली बात नहीं एक एक पार्ट्स को फिर दोबारा से देख लेंगे कोई दिक्कत में बात नहीं है ये समझ में नहीं आया हो ये नहीं रोटर ये वाला स्विच नहीं टाइमर समझ में नहीं आया हो ट्रांसफर समझ में नहीं आया हो कूलिंग फैन समझ में नहीं आया हो या थर्मोस्टेट वाला समझ में नहीं आया हो या बल्ब बल्ब तो सिंपल तरीका चेक करने का ये थर्मल स्विच समझ में नहीं आया आप लोगों को कैप्सूल समझ में नहीं आया या सिंक्रोनस मोटर चेक करने का तरीका नहीं समझ वैसे मैंने सब कुछ बिल्कुल प्रॉपर तरीके से चेक करके दिखा दिया ठीक है इस वीडियो को आप आराम से देख सकते हैं बार बार 10 बार 20 बार 50 बार ठीक है ना जी सर और ये डोर स्विच भी मैंने चेक करके दिखा दिया आप लोगों को एक एक डोर स्विच को चेक करके दिखा दिया ये अपना बिल्कुल सभी पार्ट्सों को जितने था मैनुअल वाला अपने पास था कौन सा वाला मैनुअल वाला इलेक्ट्रिक वाला नहीं अपना पास ठीक है तो इसको क्या किया मैंने पूरे को एक एक पार्ट्स को चेक कर दिया अपने और एक एक पार्ट्स के नाम भी बताए थे मैंने बोर्ड पर लिखे हुए सभी बोर्ड पर पार्ट्स अपने लिखे हुए एक एक पार्ट्स के हिसाब से एक एक को नाम चेक करके मैंने एक एक पार्ट्स को चेक किया है 16 पार्ट ठीक है जितने भी पार्ट्स थे अपने पास जितने भी अवेलेबल थे जितने माइक्रोवेव में लगते हैं सभी पार्ट्स को मैंने चेक किया ठीक है ना अब इसके बाद मेरी जो वीडियो आएगी किसकी आएगी इसके कनेक्शन होगी ये अपने इतना फैलारा फैलार दिया इसको कनेक्शन करने का भी तो अपन को पता होना चाहिए ना कि कौन सा बार किधर गया कहां से गया कैसे आया ये कैसे सप्लाई जाती है कैसे वर्क करता है कैसे कार्य करता है ये पूरी चीज अपनी अगली वीडियो में लेके आएंगे ठीक है ना इसके बाद अपन जो भी होगा अपने इसके बाद अरेंजमेंट पूरा प्रॉपर तरीके से प्रैक्टिकल करा रहे हैं ठीक है ना अपने पहले पार्ट्सों के देख लिए इसके बाद अपने ये चेक कर लेंगे अब इसके बाद सर्किट डायग्राम के थ्रू देखें बिल्कुल सिंपल तरीका जैसे आप लोगों ने देखा इसको चेक करने का उसी प्रकार बिल्कुल सिंपल तरीका आप लोगों को इसको कनेक्शन करने का भी दिखा देंगे थैंक यू आज के लिए इतनी वीडियो कल देखते हैं।